अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। कल गोल्ड 1863 तक चला गया था, उसके बाद 1836 का लो बनाया। लो क्यों बनाया? सबसे मेन बात यह है कि कल यूएस की तरफ से एक न्यूज़ आई कि यूएस ने एक दिन में ही तकरीबन 1.25 मिलियन यानी तकरीबन 12.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त मार्केट में सेलिंग आई और गोल्ड ने 1245 का जो हमारा सपोर्ट था वो तोड़ दिया। उसके बाद 1236 का लो बनाया एंड वापस से रिकवरी आ गई। रिकवरी के बाद 1263 का हाई बनाया है गोल्ड ने। अभी आप ये देखोगे तो तकरीबन डबल टॉप जैसी स्थिति लग रही है 1263-64 के आसपास। 1263-64 के आसपास डबल टॉप जैसी कंडीशन लग रही है, तो रेजिस्टेंस जो है आज इसके ऊपर का ही है। चलिए आपको लिख के बता देता हूँ। गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा 64-65 का, 65 ही बता देता हूँ। गोल्ड का सपोर्ट रहेगा आज का $1840 का। फिलहाल गोल्ड वीक जोन में है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना, लेकिन अगर 1865 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो ज़रूर 1880 और 1890 तक जा सकता है। अभी फिलहाल वीक है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। ये भी कल नीचे चला गया था लेकिन गोल्ड के मुकाबले कम सेलिंग आई इसके अंदर और अभी फिलहाल 25-56 चल रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखोगे तो कल गोल्ड तकरीबन आधा परसेंट डाउन था एक टाइम पे और सिल्वर 1.5% ऊपर थी। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पैटर्न था, इंटरेस्टिंग कंडीशन थी जो काफ़ी कम देखने को मिलती है कि सिल्वर 1.5% ऊपर है और गोल्ड आधा परसेंट डाउन है। अभी फिलहाल 25-56 के आसपास चल रही है। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। लास्ट वीक एक न्यूज़ एक ये आई थी कि थर्सडे को जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट नए स्टिमुलस पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। कल थर्सडे है लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया उनकी तरफ से, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। कल तक अपडेट नहीं आया कि किस टाइम पैकेज अनाउंसमेंट करेंगे। इनफैक्ट लास्ट वीक भी जो न्यूज़ आई थी वो ब्लूमबर्ग पे आई थी, ब्लूमबर्ग या रियूटर्स पे आई थी, तो अभी भी एक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, बट थोड़ा सा कल ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई न्यूज़ या कोई अपडेट रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे या ट्विटर पे बता ही दूंगा। अभी फिलहाल सिल्वर 25-56 चल रहा है। आज का सपोर्ट ये वाले कैंडल का है, ये कैंडल का 25-20 से नीचे का, 25-15 का आज का सपोर्ट है। सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 25-75 का। सिल्वर फिलहाल पॉजिटिव जोन में है। जी हाँ, गोल्ड वीक जोन में है बट ये पॉजिटिव जोन में है। कल इसमें जो एक सेलिंग आई थी वो काफ़ी नहीं थी इसका ट्रेंड रिवर्स करने के लिए, तो इसलिए इसका ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ है। अभी फिलहाल सिल्वर पॉजिटिव जोन में है तो सेलिंग अवॉइड कीजिएगा। अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट, एकदम मस्त वर्टिकल पॉजिटिव जोन में है। कोई कुछ इसको फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहाँ जा रही है, गोल्ड का जा रहा है, सिल्वर जा रहा है, अपने ही धुन में चला जा रहा है। ज़बरदस्त बाइंग में जब से एंटर हुआ है 45 आई थिंक 44-45 के बाद, उसके बाद से भागे ही जा रहा है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का $53 का। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है आज का 54-20 का। क्रूड ऑयल के MCX के लेवल कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं मैंने, अगर आपने ज्वाइन का बटन दबाया है तो आपको ज़रूर दिख जाएंगे। अब आते हैं MCX के लेवल पर, उससे पहले एक बार यूरो को देखेंगे। यह है यूरो का चार्ट, 22-12 के आसपास चल रहा है, 22-20 का हाई बनाया है, एक अच्छी पॉजिटिव जोन में एंटर हो चुका है। ऑलमोस्ट डबल बॉटम जैसा एक फॉर्मेशन था नीचे जो यहाँ पे 21-70-21-80 पे खत्म हो गया। अगर आपने मेरा कल का शाम का वीडियो देखा हो तो उसे मैंने रेजिस्टेंस 21-80 के आसपास ही दिया है। उसके बाद से तकरीबन 40 पिप्स का गेन आ चुके हैं।
अभी 22-13-15 चल रहा है। चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। यूरो का सपोर्ट है आज का 2175 का रेजिस्टेंस है 22.50 का। यूरो फिलहाल पॉजिटिव जोन में है तो अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। एमसी के लेवल देख लेते हैं। सिल्वर चल रही है 66,280। एमसी का सिल्वर का सपोर्ट है आज का 65,500। रेजिस्टेंस है आज का 66,610। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 49,530। गोल्ड का सपोर्ट है आज का 48,880। अब देख लेते हैं निफ्टी और उसके बाद देखेंगे बिटकॉइन। एक और नया दिन और एक और नया लाइफ टाइम हाई। निफ्टी की तो आदत सी हो गई है रोज नया लाइफ टाइम हाई बनाने की। जब तक सारे सेलर्स को ये मारेगी नहीं तब तक ये नीचे नहीं आएगी। आई होप आपने सेल नहीं किया हो, बिकॉज सपोर्ट नहीं तोड़ रही है तो कोई लॉजिक नहीं बनता है मार्केट में सेलिंग करने का। तो चलिए आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। निफ्टी का आज का सपोर्ट है 14,470। निफ्टी का रेजिस्टेंस है आज का 14,660। ध्यान रखिएगा जब तक सपोर्ट तोड़ के नीचे सस्टेन नहीं करेगा तो कोई भी सेलिंग मत कीजिएगा। बहुत ही खतरनाक मार्केट है। आप ये देखोगे, आप अगर चेक करोगे तो ये जो भागना शुरू हुई है यहाँ से तकरीबन 20 दिसंबर से लेके आज है 13 जनवरी, तकरीबन आप इसे मानो तो 15% ऊपर चली गई है 1 महीने में ही। और ये कोई पैनी स्टॉक नहीं है, ये निफ्टी है। मतलब 15% विदाउट एनी राइम एंड रीजन। कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोरोना वायरस खत्म हो गया है या कोई मेजर वैक्सीन की न्यूज़ आ गई है। वैक्सीन की न्यूज़ तो नवंबर दिसंबर में आ ही चुकी थी, उसके बाद इतना मार्केट भागा है। चलिए बट ध्यान रखिएगा सेलिंग मत कीजिएगा जब तक सपोर्ट नहीं ब्रेक करे। अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे। यह है बिटकॉइन का चार्ट। 33,000 के आसपास चल रहा है आज, 33,410। 42,000 से 33,000 आ गया। बिटकॉइन का आज का रेजिस्टेंस है $36,500 का। बिटकॉइन का सपोर्ट है आज का $29,800 का। बिटकॉइन फिलहाल वीक जोन में है तो अवॉइड कीजिएगा बाइंग करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर का बटन दबाकर। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलूंगा आपसे शाम वाले वीडियो में जो अपने इंग्लिश चैनल पे डालता हूँ, इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।